अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। तो जी डेली व्लॉगिंग में आज है हमारा दूसरा दिन। और अभी हो रही है 9:25, 10 बजे मेरी क्लास है और मैं अभी तक ऐसे ही लगी फिर भी। खैर अम्मा को मैंने उठाया, मैंने कहा उठ के नाश्ता नुश्ता बनाओ क्योंकि आपकी गंदी औलाद ने यूनिवर्सिटी जाना है। और मौसम सही है, बस इतना गर्मी नहीं यार, गर्म है। रात को ही विंडो खुली रह गई थी। खैर बस अभी हम लोग तैयार शार होकर फिर हम यूनिवर्सिटी जाएंगे और फिर तब तक नाश्ता वगैरह अम्मा को उठाती हूँ कि नाश्ता बना दो, ताकि फिर मैं तब तक जाके तैयार होती हूँ और फिर हम मिलते हैं। लो जी आपकी बहन तैयार शार हो गई है। मैंने अपनी बहन के साथ एक चैलेंज करना है जिसमें हम लोग लगाएंगे कोई 10 मिनट लगाएंगे और मेकअप करेंगे, ठीक है? क्योंकि तेबा सबसे ज़्यादा टाइम लगाती है मेकअप करने में। अब उससे ज़्यादा हम ये चैलेंज बहुत जल्द करेंगे कि 10 मिनट्स है हमारे पास और हम लोगों ने मेकअप करना है, फिर उसका मेकअप देखेंगे, मेरा मेकअप देखेंगे। क्योंकि मैं मैक्सिमम 5 से 6 बहुत हद लगा तो मैं 6-7 मिनट में तैयार हो जाती हूँ, लेकिन वो लड़की मैक्सिमम आधा घंटा कहीं नहीं जाता उसका। खैर अब हम तैयार शैर हो गए हैं, मम्मा ने नाश्ता वगैरह बना दिया। अच्छा है, नाश्ता नुश्ता करते हैं। 9:40 हो गए बल्कि 9:45 हो गए, 5 मिनट आ गए हैं घड़ी। नाश्ता करके निकलना है इससे पहले कि मेरी दोस्त जो है मुझे फ़ोन खड़का के जो है ना मुझे बिल्कुल पागल कर दे। ये 5:87 ओके, ये जो टाइम है ना सबसे ज़्यादा अफरा तफरी का होता है मेरे पास, क्योंकि कुछ होता नहीं। वो सामने रिक्शे वाले अंकल खड़े हैं। चलो खैर बस मैं जा रही हूँ यूनिवर्सिटी, अब हम मिलेंगे यूनी में अगर कोई लेक्चर कैंसिल ना हुआ तो। सो एज़ यूजल वी आर फ्री फ्रॉम 12 to 4, तो अब हम लोगों ने लाइब्रेरी में जाके मेम्बरशिप लेनी है क्योंकि हम लोगों को बुक इशूज़ करवानी है, तो अब हम जा रहे हैं लाइब्रेरी। सो लेट्स सी। 2000 years later. तो सारा दिन जलालत और खुआरी के बाद हमारा लास्ट लेक्चर, 4 घंटे की ब्रेक के बाद हम लोग एडमिन में जो काम करने गए हमें वो भी नहीं मिला। मतलब हमारा एडमिन इतना थका हुआ है यार, हम लोग वहाँ पे आधा पौना घंटा बैठ के आएंगे शायद जब आ जाए, तो हम लोग अपने एक सिग्नेचर करने थे सिर्फ उन्होंने और हम लोगों को मेंबरशिप मिल जानी थी, एडमिन ही नहीं आया हमारा। बाकी अब दिया गया थोड़ी देर तक यहाँ, फिर अब कल का करूँगी क्योंकि बुक मुझे लाजमी करवानी, क्योंकि हम भाई चार्जेस देते हैं लाइब्रेरी के, हम क्यों ना बुक्स लें। और बाकी अब देखते हैं ये लास्ट लेक्चर लेना है, उसके बाद फिर घर जाएंगे। घंटा लगा देंगे अभी दरवाज़ा खोलने में, बैल बजाई जाती हूँ। खोल दो, इतना टाइम हो गया है। ओके जनाब, यूनी से थकी हारी आके खाना खुना मैंने खा लिया, फ्रेश हो गया। और सबसे ज़्यादा औखा तरीन काम लगता है मुझे जब यूनी से मैं थकी हारी हुई, मेरी अम्मा जी मुझे सुना दें कि बेटा ये काम कर दो, तो अब किचन में जाके काम करना है, तो तैयबा को खाना देना है, दूसरा उसके बाद चाय बनानी, क्योंकि मेरे अंदर अपनी हिम्मत नहीं है यार। बट माई मामा इज़ नॉट फीलिंग सो वेल, सो शी सेड के बना दे तू आज। आई सेड ओके। सालन सुबह मैंने गर्म कर दिया है, अब अम्मा ने जो रोटी दी हुई है ना इसी को गर्म करूँगी, क्योंकि ताज़ी रोटी तो मैं बनाने से नहीं इतनी अच्छी तो हूँ, इसी को गर्म कर देती हूँ तवे पे रख के, ताकि ये गर्म हो जाए। तो गर्म रोटी खानी है ना, ऐसे मर जाएंगे जैसे गर्म रोटी। बड़ा हरामी हो बेटा। ओके सो तैयबा को खाना शाना दे दिया, अब है चाय की बारी। सबसे यार औखा काम है चाय बनाना, नहीं यार औखा काम नहीं है, लेकिन जब बंदा थका हो ना उसको हर काम ही औखा लग रहा था। तो बाकी अब मैं सोच रही हूँ कि ना सर में तेल लगवा लूँ, थोड़ा सुकून ले लूँ, तब तक ये चाय शायद तैयार हो जाएगी। ओके सो दिस इज अवर मासी ऑफ अवर हाउस। ये वाला टाइम होता है अगर सोसाइटी में किसी को मासी की जरूरत हो तो हमारे पास एक अदद मासी है, ये हम ग्रुप में मैसेज कर देंगे। खैर ये वाला टाइम होता है जो हम थोड़ा बहुत इकट्ठे बैठ के गुजारते हैं, उसके अलावा पूरे दिन में हम लोगों को टाइम नहीं मिलता, हम यूनिवर्सिटी से घर और बस यही होता है। और जो लोग मुझे इंस्टा पे कमेंट्स करते हैं ना कि बहना पढ़ती नहीं हो, यार मैं पढ़ती वाकई नहीं हूँ, और अगर पढ़ती भी हूँ तो मैं नहीं बताऊँगा। चलो जनाब सारे काम धंधे धंधे करके आपकी बहन आ गई है, बस अब मैं ऑलमोस्ट बस सोने लगी हूँ, 7 बजे अभी भी बस थोड़ी देर तक सोती हूँ। बस नहीं थोड़े से परफॉर्मेंस थे मेरे उनके जो लास्ट वीक मैंने अपने पेशेंट्स के फिल किए थे, 2 पेशेंट्स के लिखने थे परफॉर्मा, मैंने कहा ये लिखे थे क्योंकि नेक्स्ट फ्राइडे फिर रोटेशन है और फ्राइडे को मेरी बर्थडे भी है, तो फिर और टीचर ने ये चेक भी करनी है। सो मैंने सोचा कि पहले अभी परफॉर्मेंस फिल कर लूँ, उसके बाद फिर सुकून से सोऊंगी, अभी 7 बजे 2 घंटे सोऊंगी, फिर उसके बाद उठ जाऊँगी। और सबसे जो दो जो जतन वाले काम है ना, उनमें से एक जतन का काम ये कि सुबह क्या पकाना है, रात को क्या पकाना है, ठीक है? और दूसरा जतन वाला काम ये कि सुबह पहनना क्या है यार, मतलब ये 2 काम मेरे से बिल्कुल नहीं होते हैं।
बट अब वो मम्मा को मैंने कोई एक दो मशवरे दिए हैं, मम्मा ये पका लो ये पका लो, देखो उनकी जो मर्जी होगी वो खुद पका लेंगी। बाकी जो काम है ना कि सुबह क्या पहनना है ये काम बहुत ख़राब है, बहुत 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 ज़्यादा ख़राब है। मतलब वार्डरोब के आगे आप खड़े हो जाओ और फिर आप ढूंढते रहोगे पहनना क्या। खैर बस अब ये दो परफॉर्मेंस फिल करने हैं, ये करके फिर आप पहन सो जाएगी और फिर हम मिलेंगे कोई दो घंटे के बाद। टड़ा। तो जी आपकी बहन की गुड मॉर्निंग हो गई है, सॉरी मैं टका रही थी दो ढाई घंटे। खैर फिर उसके बाद लाइट चली गई, लाइट चली फिर मेरी आँख खुल गई, लाइट खुल मतलब गर्मी से। बाकी अब फिर मुझे सडनली याद आया कि मैंने एक अदर असाइनमेंट तैयार करनी थी, अब वो असाइनमेंट तैयार करती है। फिर घंटा खाना छाना खा के आपकी बहन फिर सो जाएगी। लेकिन यार पढ़ने की रूटीन सेट करनी है, पढ़ने का दिल ही नहीं कर रहा, पर से नींद ही नहीं पूरी हो रही आपकी बहन की, तो पता नहीं क्या बनेगा मेरा। खैर बाकी मैं जाकर खाना छाना खाती हूँ क्योंकि मेरे घर वाले खाना लगा के बैठे हैं, अब मुझे चित्र पढ़ने अगर मैं ना गई तो मैं मिलती हूँ कोई आधे घंटे तक। तो जी आपकी बहन ने नहा धो लिया, असल में सुबह के टाइम ना टाइम नहीं मिलता ना नहाना, सुबह ही था लेकिन मैंने 8 बजे बहन के साथ जाना है। जितन वाला एक काम वो हो गया था, दूसरा काम था ये कपड़े प्रेस करने वाला। अब किसी ये सूट में पहन नहीं सकती क्योंकि इसका दुपट्टा तैयार लेके जाना है सुबह अपनी दोस्त के लिए। अब दूसरा जितन वाला काम करना है, मतलब मजीद कपड़े ढूंढने हैं यार, लाइट तो चलो, मतलब मजीद कपड़े ढूंढने हैं यार, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या पहनूं। जो सूट निकालती हूँ उसके साथ हिजाब मैच हो जाता है, जूती मैच नहीं होती है, जूती मैच हो जाती है, हिजाब नहीं मैच होता। तो जनाब सारे काम को ख़त्म कर लिया, सबसे ज़्यादा मोस्ट जितन वाला काम कपड़े प्रेस करने वाला काम वो भी मैंने कर लिया है, अब और करने का कुछ नहीं है। और अब मेरी आँखें फुल टाइम उससे भरी पड़ी है नींद से, और अब मैं जा रही हूँ सोने। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए आप लोगों ने बस इतना करना है कि जिस तरह प्यार दे रहे हो उस तरह ही देते रहो, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा करो, और मुझे इंस्टाग्राम पर जाकर फॉलो कर लो। अल्लाह हाफिज़।